नमस्कार दोस्तों, आपको मेरा YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। देखिए, मैं आज को बैंक निफ्टी का ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ। बेसिकली मेरा मैक्सिमम वीडियो खराब मार्केट में कैसे हम लोग का सॉफ्टवेयर काम करता है उसके ऊपर बेस करके, क्योंकि मुझे पता है जो कोई भी ट्रेंडी मार्केट मतलब एक तरफा मार्केट में एक नॉर्मल MACD का इंडिकेटर भी प्रॉफिट देखे जाता है, तो मार्केट में बंदा लॉस खाता है मैनिपुलेटिंग मार्केट या फिर एक साइडवेज मार्केट में। तो कैसे आपको उस मार्केट में अपना लॉस को बचाना है, वैसा मार्केट में भी कैसे आप अपना प्रॉफिट को अर्निंग कर पाएंगे, उसका ऊपर बेस करके मैं मेरा मैक्सिमम वीडियो बनाने का कोशिश करता हूँ। जैसा आज 16 तारीख है, 16 तारीख का अगर आप बैंक निफ्टी फ्यूचर में काम किए हैं तो आपको पता चलेगा जो बैंक निफ्टी फ्यूचर कितना ख़राब मार्केट गया है। तो ऐसा सिचुएशन में आपको कैसे मतलब लॉस से बचना है, मतलब ऐसा इस टाइप का मार्केट में आप प्रॉफिट के बारे में तो सोच ही नहीं सकते। आप हमेशा सोचेंगे जो कैसे आप अपना लॉस को बचा पाएंगे। अगर आप अपना लॉस को बचा पाएंगे देन आप इजीली गेन कर सकते हैं। जैसा ये जो सॉफ्टवेयर है इसमें मैं मेरा जो पुराना वीडियो उसमें हम लोग का जो टेक्निक है उसके बारे में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं जो बार बार बोलता हूँ, हम लोग का नीचे वाला इंडिकेटर, इस इंडिकेटर को मैं आज को थोड़ा फोकस कर रहा हूँ आपका सामने। जैसे मिडिल में देखिए आपको एक वाइट कलर का लाइन चल रहा है जिसका वैल्यू होता है 0, मतलब इसे हम लोग न्यूट्रल पोजीशन कहते हैं, जो ये मार्केट को डिवाइड करता है एक्चुअली। और एक सिंपल मूविंग एवरेज जैसा लाइन देखिए मेरा एकदम बिगिनिंग से, जो इस लाइन को मतलब 0 लाइन को ब्रेक करके एक बार ऊपर जा रहा है। जहाँ से ऊपर जा रहा है इसका मतलब आप स्ट्रांगली बाइंग जोन में घुस गए, मतलब उस टाइम कोई भी बाय का कॉल पर आप एंट्री लेंगे तो आपको इजीली प्रॉफिट दे के जाएगा, यहाँ पर लॉस खाने का चांसेस बहुत कम होगा। जैसा देखिए आज को ये मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ था और ओपन होने का बाद ही हम लोग का सॉफ्टवेयर ने भी एक सेल का कॉल दिया। सिर्फ हम लोग का सॉफ्टवेयर ने, अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर जो गैप डाउन हुआ है, कोई भी सॉफ्टवेयर आपको सेलिंग का ही कॉल दे देगा। तो इस मूवमेंट में आपको नीचे वाला इंडिकेटर कैसे हेल्प करेगा, नीचे वाला इंडिकेटर का जो मूवमेंट है देखिए वो रेड है। रेड मतलब ऑब्वियसली सेलर्स बढ़ रहा है यहाँ पर या सेलर्स ज़्यादा है, मगर इसका मेन फंक्शन है ये वाइट लाइन मतलब 0 लाइन का काफ़ी ऊपर है, मतलब मार्केट का जो ट्रेंड है वो बाइंग ट्रेंड में है, अभी भी मार्केट सेलिंग ट्रेंड में गया नहीं। तो ये सेलिंग ट्रेंड में कब गया, देखिए मार्केट यहाँ पर रिवर्स होने लगा मगर हम लोग का ये इंडिकेटर नीचे आने लगा। 90% मार्केट में जितना भी आप इंडिकेटर यूज़ किए हैं वो मार्केट का साथ ही मूवमेंट होता है, मार्केट ऊपर जाता है तो ऊपर जाता है, मार्केट नीचे जाता है तो नीचे जाता है, मगर हम लोग का ये जो कंसेप्ट है देखिए यहाँ पर मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है और हम लोग का ये इंडिकेटर वाइस वर्सा मतलब धीरे धीरे नीचे जा रहा है। तो ये जो पॉइंटेशन आप यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, देखिए मैं जो इसको यहाँ पर मार्किंग कर रहा हूँ, ये आपका 10:05 का टाइमिंग है, मतलब 10 बजे का बाद हम लोग का ये जो इंडिकेटर है ये आपको बता दिया जो मार्केट डाउन ट्रेंड में आ चुका है। तो इसका बाद देखिए मार्केट भले ही उठा था, यहाँ पर एक बाय का कॉल भी आपको दिखाई दे रहा है, भले ये बाय का कॉल फॉल्स है क्योंकि ये बाय का कॉल में ये लाइन देखिए 0 लाइन का नीचे है। मैं आज को पूरा इसका टेक्निक के बारे में आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, अगर आप हम लोग का वीडियो देखें आपको पता ही होगा। अगर आप हम लोग का वीडियो नया देख रहे हैं तो आप हम लोग को एक बार कांटेक्ट कीजिएगा, इसके बारे में बता देंगे जो टेक्निकली कैसे काम करता है। तो सिंपली जो मैं आज को दिखाने वाला था, बैंक निफ्टी में आज को 90% बंदा लॉस किया है क्योंकि मार्केट ही ऐसा था, मैनिपुलेट किया था। तो बेसिकली नीचे वाला इंडिकेटर हम लोग का जो 10 बजे आपको बता दिया था जो मार्केट डाउन में जाने वाला है या मार्केट डाउन में चला गया है ऑलरेडी, तो अल्टीमेट देखिए मार्केट यहाँ पर उठा था, मगर अगर दिन का ख़त्म होने का टाइम आप देखेंगे 3:30 बजे तक मार्केट अल्टीमेट देखिए गिरा दिया था। तो दैट इज़ कॉल ए मैनिपुलेटिंग मार्केट, मतलब इस टाइम मार्केट बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट हो रहा है आपको लॉस गिराने के लिए। अगर आपको पता है जो मार्केट एक्चुअली सिचुएशन क्या है, मतलब मार्केट उठने का मतलब ही ऐसा नहीं होता है जो मार्केट में बाइंग हो जाएगा या फिर आपको बाय कर लेना है, आपको नीचे वाला इंडिकेटर साफ दिखाई दे रहा है जो ये मार्केट डाउन में गिरा हुआ है, मतलब मार्केट कितना भी उठने का कोशिश करे मगर मार्केट नीचे ही गिरने वाला है। तो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट ऑफ आवर दिस सॉफ्टवेयर या दिस इंडिकेटर। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका से ये डिज़ाइन किया गया है और ये हम लोग का जो सॉफ्टवेयर है सिंपल कोई ट्रेंडी मार्केट के लिए नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा साइडवेज वोलेटाइल ख़राब से ख़राब मार्केट में भी आप अपना लॉस को यहाँ पर बचा सकते हैं। तो दोस्तों ये एक सिंपल मैं आपको नमूना दिखाया जो हम लोग का इंडिकेटर कैसे काम करता है ख़राब मार्केट में भी। तो अगर आपको इसका बारे में और ज़्यादा डिटेल्स में जानना है तो आप मुझे मेरा ये जो कॉन्टैक्ट नंबर है यहाँ पर एक बार कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप में भी डाल सकते हैं। अगर आप मेरा ये वीडियो को देख रहे हैं, आप शेयर मार्केट में काम कर रहे करते हैं या काम कर रहे हैं और आप
प्रॉफिट आप अर्निंग नहीं कर पा रहे, तो जस्ट एक बार हम लोग का ये लॉजिक को फॉलो करके देखिए। अगर मार्केट नॉर्मल रहा तो वहाँ पर तो बोलने का कुछ है नहीं, लॉस खाने का कोई कंसेप्ट नहीं है, मगर खराब से खराब मार्केट में भी ये आपको अपना लॉस को बचा देगा, इतना गारंटी है। तो अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो एक बार के लिए भी हम लोग का सॉफ्टवेयर ट्राई करके देखिए, देखिए आपको कैसा इसका फीडबैक है, कि आपको अच्छा लग रहा है या टेक्निक अच्छा नहीं लग रहा है। टोटली एक टेक्निकल कंसेप्ट है, अगर आप सही मार्केट को टेक्निकली एनालिसिस कर पाएंगे देन यू मस्ट गेन इन दिस मार्केट। तो थैंक यू दोस्तों मेरा ये वीडियो को वॉच करने के लिए। एक छोटा सा वीडियो है, मैं जस्ट इस नमूना को दिखाने के लिए आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको ये टेक्निक थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो ऑब्वियसली इसको एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करके रखिए, जो आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो भी मिल जाए। और अगर आप इस सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आपको लग रहा है, जहाँ ये ऐसा कुछ दे सकता है, देखिए मैं एक बहुत ख़राब चार्ट का ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। मैक्सिमम कंपनी क्या करता है, एक अच्छा मार्केट का ऊपर वीडियो बनाता है, मेरा कंसेप्ट कभी भी ऐसा नहीं होता है। मैं ख़राब मार्केट में सॉफ्टवेयर कैसे फॉर्म करता है उसका ऊपर बेस करके वीडियो बनाता हूँ। तो अगर आप थोड़ा सा भी आपको इंटरेस्टेड लग रहा है, आप एक बार मुझसे बात कर लीजिए, देखिए आपको कैसा लग रहा है। थैंक यू दोस्तों मेरा वीडियो वॉच करने के लिए, थैंक यू सो मच।